हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनिया और आज हम लाए हैं आंवले के जूस की रेसिपी। आंवले का जूस वैसे तो मार्केट में भी मिल जाता है, लेकिन घर का बनाया हुआ जूस का टेस्ट ही अलग होता है और कोई मिलावट होने का भी डर नहीं होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आंवले के जूस की रेसिपी। हम पहले आंवला लेंगे, वॉश करके उसको अच्छे से काट लेंगे, उसका बीज निकाल लेंगे और कुछ हरे पुदीने की पत्तियाँ लेंगे, अदरक का टुकड़ा, एक पीस अदरक और कुछ काला नमक टेस्ट के अनुसार, और हम हरी धनिए की पत्तियाँ लेंगे, एक नींबू, कुछ काली मिर्च और कुछ टेस्ट के लिए चीनी। अब हम आंवले को, पुदीना, हरा धनिया और अदरक को अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे थोड़ा पानी डालकर, जिससे उसका अच्छे से रस निकल जाए। अगर हम पानी नहीं डालेंगे तो उसका एक पेस्ट बन जाएगा, मतलब जूस नहीं निकाल पाएंगे, एक चटनी के जैसा हो जाएगा। तो हम उसमें कुछ पानी डाल लेंगे और मिक्सी में हम अच्छे से उसको पीस लेंगे। अब ये देखिए कितना अच्छा जूस बना है। अब इसको हम अच्छे से छान लेंगे छलनी में, एक बाउल में लेकर। अभी इसको स्पून की सहायता से अच्छे से प्रेस करेंगे, जिससे सारा जूस नीचे निकल आए। इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। अब हम इसको गिलास या कप में ले लेंगे। अब हम इसमें इसका और अच्छा टेस्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें पहले हम एक चम्मच चीनी लेंगे, इससे इसके टेस्ट अच्छा आ जाता है। हम नींबू डालेंगे, जो अभी हमने एक नींबू लिया था ये उसका रस है, और हम इसमें कुछ काला नमक टेस्ट के अनुसार लेंगे और काली मिर्च, ब्लैक पेपर भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको स्पून से अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। आप इसको एक दफ़े घर पर बनाकर देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आपको यह मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, और कोरोना से खुद को और अपने बच्चों का बचा कर रखिएगा। मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ करना मत भूलिएगा प्लीज़। बस यही मेरी रेसिपी, आगे मैं आपके लिए और रेसिपी लाती रहूँगी। ओके, बाय।